पुत्री जेड़ा तू भी विच बोलन लग पिया। मिनट बाद कोट लांदा मिट्टी दी ट्राली ला के आया। कुड़ी दा दिल ना खट्टा हो जाए। सुहेल अहमद साहब नूं आपां हमेशा देखदे रहे पाकिस्तानी मेरे ला है ना देखा करो ठीक है। फिर जी हस पैने तो फिर बाद चो काम खराब हो जाता है। फिर मेरा भी हासा निकल जाता है। मैं तां वेखदा मैं कि सत श्री अकाल नहीं बुलाई अज। सत श्री अकाल मैं बाद चो करनी सी ना इंट्रो। अच्छा ते कहण दा मतलब है कि सुहेल अहमद साहब दे आपां ड्रामे देखे पाकिस्तानी ते बहुत ही घैंट हुंदे आ, लाजवाब हुंदे आ, कमाल हुंदे आ, बा कमाल हुंदे आ, सिरा हुंदे आ, ऐने क घैंट हुंदे ना कि मतलब रूह खुश हो जांदी है जदों भी आपां उहनां दे ड्रामे देखदे आ ना। तां जदों भी आपां उहनां दे ड्रामे देखदे ना तां इन्ना मज़ा आउंदा है, इन्ना मज़ा आउंदा है, इन्ना मज़ा आउंदा है यार। मतलब तुसीं मैनूं पूरी करन देनी लाइन बस कर दो। चलो गाइज आज जी वीडियो बहुत घैंट होने वाली है। जिदा कि तुहानूं मैं ऑलरेडी दस चुकिया है कि सुहेल अहमद साहब दा जदों आपां कोई वीडियो देखदे आ तां इन्ना मज़ा आउंदा है, इन्ना मज़ा आउंदा है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। वीडियो शुरू करिए। ओके सो चैनल को सब्सक्राइब अपना पंजाबी रील टीवी ते मैं तुहाडा दोस्त होस्ट ते तुहाडा मेजबान समीत सिंह। मैं दिलप्रीत कौर सिंह। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ओ यार मुझे निकल गया। चलो वीडियो करते हैं यार शुरू बिना किसी दो कार। ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हाँ सो ये वीडियो जानी है अपनी पीआर टीवी एक्स्ट्रा चैनल पे ठीक है। सो इस चैनल भी सब्सक्राइब कर लो ते बुल्ले लुटो नजारे लो ते दुनिया च रंग मानो और दुनिया च कख नहीं रखा भरावा। वीडियो देखो आज यार छोड़ो परे। शादियों की सीजन की बहती गंगा में हाथ धोते हुए मॉडर्न ड्रेस डिजाइनर ZVS। ZVS प्लीज कैमरा ऑन है, सीधे होके बैठो। जो नहीं मैं तुम्हें पहले भी कहता हूँ फोन पे ही बता देता हूँ मैंने कभी पाबंदियों में जिंदगी नहीं गुजारी। तो कौन सी पाबंदी लगा रहा हूँ? कम से कम शो के थोड़ा सा प्रोटोकॉल का। तो मुझे जैसे कंफर्टेबल लग रहा है मैं बैठ गया हूँ बात। और यार व्यूअर्स को कंफर्टेबल नहीं लग रहा ना? व्यूअर्स दे मोटिया तो बैठा हूँ। मेरी बात सुनो ZVS, तुम्हारे खिलाफ हम तक एक शिकायत पहुंची थी। हमने उस शिकायत को डिस्कस करने के लिए तुम्हें भी बुलाया है और शिकायत करने वालों को भी बुलाया है। जरा सीधे होके बैठो। मेरी शिकायत किन्ने ला दी थी। ये दुला मियां इनकी अगले हफ्ते इस बच्ची के साथ शादी होने जा रही है। ये शिकायत बच्ची के मां प्यो ने लाओ मैनू कद नहीं ला रहे। मामला ये है कि ये शेरवानी सिलवाने के लिए दुला मियां तुम तक पहुंचे थे। अच्छा। तुमने इसी डिजाइन की बिल्कुल यही शेरवानी सीने के लिए इनसे 2.25 लाख रुपए तलब किए थे। और ये जो तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं आम से सादा से टेलर मास्टर साहब, इन्होंने 18,000 रुपए में सी दी है। ये मैं भी कहूं इसको मैंने कहां देखा हुआ है। 2.25 लाख रुपया अगर मांगा था तो ठीक ही मांगा था ना, किसी चीज का ही मांगा होगा। किस चीज का मांगा था? भाई जो इसने पसंद की होगी। यार एग्जैक्टली वही चीज मास्टर साहब ने 18,000 में सी दी है। वही चीज इन्होंने कैसे सी दी है? ये मुंह नल सी देने। कहाँ 18,000 कहाँ 2.25 लाख रुपया? 1 मिनट प्लीज, आप ना इंटरप्ट करें प्लीज। क्यों? डिजाइनिंग की बात हो रही है। कोई खोती रेड़ी नहीं उल्टी जरा तुम्हें विच बोलन लग। जो नहीं बात ये है तो वही चीज अगर इन्होंने सी दी है तो आपके वो देखी है। हाँ देख रहा हूँ सामने। उसके पीछे क्या ZVS का टैग है? नहीं है। तो फिर सेम चीज कैसे हो गई? इसका मतलब है तुम सिर्फ उस टैग के पैसे लेते हो, अपने नाम के पैसे लेते हो। तो नाम के पैसे होते हैं। और डिजाइनिंग में क्या चल रहा है? काका उस्तादी शगिर्दी का काम में शेरवानी काफी टेम तेरा एडा तू काम भलवान जी का काका ही डर है। खोल दे तू केड़ा सिरी लै खाना के तेरी छाती ते डिग पैंदे। ज्यादा शोखी करने की जरूरत नहीं है। आप उनके साथ बात करें। और मेरे लिए नहीं आए हुए, उनके लिए आए हुए हैं और उनके शो में बैठे। मास्टर साहब आप मुझसे बात करें प्लीज। जी मैं अल्लाह के फजल से अपने आउटलेट में आप जैसे को घुसने भी नहीं देता। बहू जी ये काम है उस्तादी शगिर्दी का। उस्तादी शगिर्दी मिनट बाद कोट लांदा मिट्टी की ट्राली ला के आया। अरे उतरा है कि डाकू तो कम किडे किडे दे जेन च फसे मिट्टी की ट्राली अपने सेठ के हिसाब नाल गल कर। एक चौलां का चम्मच भर लवे तो नाल वाले नूं कहंदे भाई जी तेरा हाथ पाना मैं मुंह तक करने। बाबू जी इन्हां नूं की इन्नी लाई दे आ गैड जी ना चम्मच सिरा सिरा भाजी पता होवे कि सलाई किस बला का ना है। मैं निका जहा होंदा सा जदों दा काम शुरू किया। तो आप भी निके जी नहीं हो, आप कौन सा, तुम्हें लोग टाल दिन कहने शुरू हो गए भाई। जब छोटे से तो उस वक्त तो मेरा ख्याल है सुई का काम भी खुद ही करते हो यार। एक मिनट बाबू जी, इन्हों की पता हो, असी तो उस्तादा दियां जुतियां सीधियां कीतियां। तुम बस जूती सीधी करने जोगे हो। बल्कि दर्जी खाना अपना बंद करो, किसी दरबार पे नौकरी कर लो, 500 रुपए रोजाना पे जूते सीधे किया करो यार। जीवीएस बात का जवाब दो ना, किस बात के तुमने 2.25 लाख रुपए मांग लिए? ठीक है, तुमने ब्रांड के नाम के पैसे मांगे हैं, 10,000 मांग लो, 20,000 मांग लो, और मुंह खोल के वो भी इतना बड़ा 2.25 लाख रुपए मांग लिए। मैंने मुंह खोल के पैसे नहीं मांगे, मैंने मुंह देख के पैसे मांगे। क्या मतलब? हम क्लाइंट का मुंह देख के पैसे मांगते हैं यार। इसका मुंह देख के 2.25 लाख मांग लिए। अंडर एस्टिमेट ना करो प्लीज यार। उसका मुंह देख के तो गोलगप्पे वाला 4 गोलगप्पे फ्री दे देता है। ये जंज वापस जाएगी राजा पुत्रा है, बड़ी मुश्किल नहीं बताओ ना यार। पहले जानी उसे तो पहले पढ़ लो। जवाब दो। लूट मार की तो हद होती है यार। जूनी यूनो केमिकल फैक्ट्री का मालिक है ये, तो बस लूट लो फिर। लूटना किस लिए है? जाहिर है उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक भी चीज बना के देनी थी ना यार। तुम बिजनेस देख के पैसे मांगते हो, और वैसे भी उसकी केमिकल की फैक्ट्री नहीं है, केमिकल का बिजनेस करते हैं लोग बेचारे। बच्चा बैटरी है जी, तुजाब भरता है। मैं तो महल च भी जुगता देने दिया, कुड़ी का दिल ना खट्टा हो जाए। पुत्रा मैं तो ये सोचन दिया कि इन्ने नुक्स तेरे वैसे कुड़ी वाले ने नहीं कटे। ये क्या बनवाया इसने? अगर 18,000 में बना दिया तो क्या बनाया? बेतुका सा और पुराना डिजाइन। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली मास्टर साहब ने वही बनाया है जो उन्होंने मांगा था, और जो डिजाइन तुम्हें भेजा था। मेरे पास इनकी व्हाट्सएप है। मुझे कंफ्यूज ना करो, इसने कहां से व्हाट्सएप भेज दिया? इसके पास तो 3310 है व्हाट्सएप। ये खुद फोन में घुस के छोड़ के आता, असल मौजू की तरफ कभी नहीं आएगा। मैं आपको खुल के बता दूं, ये जो इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है ना, मैंने ये चांदी की तार से करनी थी, जो इन्होंने फजूल सी आर्टिफिशियल सी तार से करवा दी है। ओ भाई, मैंने सुचे तिले का काम करवाया, लाड़ा भावे सुचा नहीं। गंज वापस जाएगी। पुत्र इस टाइम तो चिंगची भी नहीं लपड़ी। बैठे बैठे जरा बताओ ना जीवीएस, क्या मामला है? ये बेशक इसने सुचे तिल्ले का काम करवाया, बेशक झूठे तिल्ले का। इसकी शेरवानी के इधर टैग नहीं है जीवीएस। तो टैग नहीं तो क्या हुआ? व्यार दिन मुंडे ने जी फिरना। शोखी नहीं करो। तुम्हें पहले भी क्या डिजाइनिंग की बात हो रही है, तुमने बीच में बोल यार। मुझे लगता है कि व्यार वाले दिन मुंडे ने ऐसे फिरना। जो नहीं भी सीरियस, मैं सीरियस हूँ यार। मेरा क्लाइंट है, अगर वो बेचारा फंस गया इस चकचुंदर के पास तो काम करके कंपैरिजन शुरू कर देते हो। इस बात पे जवाब क्यों नहीं देते कि बच्ची की शादी सर पे है, उसका अभी तक तुमने लिबास तैयार नहीं किया? You know, मेरे कारीगर के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? छत गिर गई उस बेचारे। हेलो, जिन्होंने छत कच्चियां उन्होंने सिलाई पक्की की करनी। मजाक नहीं कर रहा। उस बेचारे का घुटना टूट गया, MRI हो रही है अब उसकी। You know, MRI MRI का रोप आ रहा ताडे ते। तू ते चुप कर, सट ते गंढा ते हल्दी बनना। बात कर रहे हो, अब तुम्हारा कारीगर अगर जख्मी हो गया तो वो लोग अपनी शादी आगे कर दे। जिहो जिहा मुंडा है, शादी अगे हो ही जानी। अब बोले तुझे शेप कराना है। I mean, वो बच्ची जो है ना, You know, ZVS की फैन है, और उसने अपने पेरेंट्स से कह दिया हुआ है, जब तक ZVS का ड्रेस नहीं आएगा अब सिल के, तब तक मैं शादी की डेट तय नहीं होने दूं। क्या मतलब? जी बिल्कुल, मेरी सब फ्रेंड्स का भी यही स्टार है कि जब तक मुझे ZVS का ड्रेस नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी। अब बताओ, हद हो गई यार। ताकि किहोजियां ने तेरिया सहेलियां जिन्होंने जीवीएस से रटा पाया ते लाड़े ते रटा ही नहीं पाया। लगता सैगमेंट मुकदया ना हो ही जानी। जो पुत्रा सी आए सा उदो कि साडे ते फुल पत्तियां सुटियां सी। असल बात ये है कि बच्चों की जिद और सोशल स्टेटस की ये दौड़ है, इससे सारा मामला बर्बाद किया हो। बिल्कुल सही कहा जी आपने, बच्चों की जिद्दी माँ बाप का कबाड़ा कर देती है। हाँ। इस मास्टर को भी छोड़ें जी, हमारे घर के बिल्कुल सामने दर्जी बैठा हुआ। हाँ। और हमारे खानदानी दर्जी है वो। अच्छा, मेरी शादी की शेरवानी भी उसने ही सी थी। आपकी शेरवानी भी उसने सी थी, पर वो दर्जी तो ना वो तंबू सीने वाला उसी से सिलवा लो इसकी। और काका जिस वक्त वो शेरवानी पहन के मैं घोड़ी पर बैठा था ना, तो घोड़ी ने कहा होगा एक्सक्यूज मी। नहीं यार, उस घोड़ी पर आज तक दोबारा कोई नहीं बैठा। जी जी जी, अच्छे पूरी बरात कहना शुरू हो गई थी, लाड़े में छड्डो थल्लो घोड़ी चुको ये जांजी बम सी जाएगी। और बैजा पुत्र पहले जंज नूं पहुंच पे लैन दे, घोड़ी ते तेरे अब्बे ने मेरी छड्डी है तो जंज तेरी मैटर ते जानी। एक मिनट उनकी बात तो सुन लेने जी, फिर क्या हुआ? और जी मैं तो इन्हू आंदा रहा कि भी महल्ले वाले दर्जी को संभाला, इस जिद करके तो मैनू खुसरे दे कोल लै गया। जोनी एनफ इज एनफ, देखिए की कह रहे हैं शायद का भतीजा। जो इन्हें मेरे को पौने 2 लाख रुपया मंगया तो फिर बदाम तोड़न वाली थौड़ी वाला तुर पाया। मास्टर साहब ने तो जायज पैसे मांगे ना, कहा पौने 2 लाख का 18,000 तो फर्क भी तो नजर आ रहा है, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। देखो बिल्कुल शहजादा लग रहा है। बकवास चूत यार, ये तुम्हारे जो दांत निकल रहे हैं वो बता रहे हैं। क्या मतलब? हंसी तो मेरी भी निकल रही है, तुम यहाँ से नीचे नीचे देखो ना। फैजान बी कॉन्फिडेंट, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। ओ, थे एक दी गल से नहीं लगी तो होता, मशवरा ज्यादा लोगों नाल कर। यार तुम्हें क्या तकलीफ है? वो दोनों आपस में मोहब्बत करते। चलो जी हमें क्या। अच्छा बात हो रही थी दुल्हन का लहंगा लेट होने की। इन लोगों के टिपिकल बहाने हैं लेट करने के, कभी कह देते हैं जी हमारा फलां कारीगर भाग गया है, कारीगर जख्मी हो गया है, मेरी खाला फौत हो गई है, फलां हो गया, टमका हो गया। यार तुम लोग असल बात तो यही है कि जरूरत से ज्यादा काम पकड़ लेते हो, पर वक्त मुकम्मल नहीं कर पाते। लोग सिफारिशें लेके आते हैं, मिन्नतें करते हैं कि प्लीज ZVS सी दो हमारा, हमने नहीं किसी और से सिलाना, तो फिर क्या करें? मैं तो कह रहा हूं कि लोगों का भी कसूर है। कई लोगों ने अपने ब्रांड्स डेवलप किए हुए हैं ऑनलाइन और उनके पास कोई कारीगर नहीं है, खुद भी वो बिल्कुल सीने सिलाने का नाम तक नहीं जानते, किसी और से काम करवा के हवाले कर देते हैं और लोग खुश हो जाते हैं। फिर मानती हो ना, चलता तो सिर्फ ब्रांड है। अब तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मत मारी गई इन लोगों की। बाकियों का तो पता नहीं, लड़की की वाकई मत मारी गई है। लड़की की वाकई इसलिए मत मारी गई है कि तुम्हारे ड्रेस पे इसरार कर रही है। हाँ। वो जानती है ना ZVS की क्वालिटी को, खास क्वालिटी है तुम्हारी। तुम लोग जानबूझ के सिर्फ अपने लालच के लिए काफी सारा काम पकड़ लेते हो। हाँ। आखिर तक मुकम्मल नहीं कर पाते, आखिर में जाके देते हो ना, आप में कमी बेशी पर कोई उसको दुरुस्त करने के लिए टाइम ही नहीं देते। किसी की पैंट छोटी हो गई, किसी का कोट छोटा रह गया, किसी का लहंगा बड़ा हो जाए तो केड़ा कुड़ी जाने वापस भेज देते, लाखों रुपया लेके लिबास का बेड़ा गर्क कर देते हो। लाखों रुपया मुफ्त में नहीं ले लेते, काम का लेते हैं। काम का नहीं, नाम का लेते हो। और एक और तरीका वारदात ये है कि पुराना सूट उठा के उसको रिफर्बिश करके नया बना के लाखों में दोबारा बेच देते हो। हाँ। 16 ने गल सही की थी, पहली गल करोड़ दी सी, उन 16 ने मैं तो इनू भी आखिया सी कि मेरी शेरवानी पई हुई है, मैं एक दिन पाई है, उन्हें छोटिया करवा ला। ये छोटा भी ना करावे, तुहाडी शेरवानी च दौड़दा दौड़दा कुड़ी वाले नाल पहुंच जावे। अब तुसी भी त्याग करदे हो ना, 6 बार मैं छोटी कराई ताड़ी शेरवानी, वो फिर भी खुली थी। 7वीं बार मैं छोटी कराने गया, वो दर्जी छत्तर फड़ के मेरे पीछे दौड़े। ओहो कैंट सी यार वीडियो ने, मतलब कि वाकई रंग बनता ना। मतलब ये मिलना था, हो सकता कोई पाकिस्तान दे विच कोई इदां दी शॉप होवे जां कोई इदां दा ब्रांड होवे जिहड़ा वाकई ये चीज़ करता होवे, क्योंकि जिहड़े इदां दे प्रोग्राम आउंदे हसबे हाल, खबरदार खबरदार है ना, ते ओहदे विच ओह कुछ ना कुछ जो अवेयरनैस एक क्रिएट करते करते हैं। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी भी जो मतलब पिछली आप वीडियो वेखी सी, मतलब दसदे आ सिक्ख्या वगैरह देंगे भी, हाँ तुसीं इदां करदे हो कि जिवें ना किसी ने सवाल करते हो भी हाँ तुम इदा करते क्यों हूँ अज भी इन्होंने कहा ना तुम पैसे क्यों वध मंगते हो भी घट मंगता हो तुम वध क्यों मंगे होंगे। हाँ जी मतलब उन्होंने कड्ढी कमी भी हाँ तुम वध काम फड़ लेंगे हो ये बड़ा वधिया पॉइंट है भी तुम बहुत ज़्यादा काम फड़ लेंगे फिर बाद फोन करते हो हाँ चलो जी अगले दिन ऐ करते हैं ना ऐ करते बाकी जिन्होंने को ज़्यादा काम होंगे। हाँ जी तो बाकी जो नाम है ना वो ब्रांड का ही चलता जेकर हूँ जिवें आप टी शर्ट्स वगैरह लेने है ना तो वो जेकर एडिडास नाइकी जां इदां दे लोगोज लगे है तो वह जो प्राइस है हमेशा 3 गुणा वध जाता। असल च साढ़े इत्थे लुधियाने एक फैक्ट्री है उतों टी शर्टा बन जाती है तो उन्होंने को स्पैशली टैग पे है सारे जिहड़े मर्जी ब्रांड का टैग लवा लो टी शर्ट हैगी है 100 की 150 की ठीक है तो मतलब वो गल है कि नाम है ना जिहड़ा वो ब्रांड का ही है चाहे जो मर्जी है पर एक कॉन्सैप्ट इन्हों का हमेशा बहुत वधिया होंदा। सुहेल अहमद साहब जिहड़ी इन्हां दी मतलब कंटीन्यूसली जिहड़ा यह हासे पाउंदे है ना पंच मारदे है पंच लाइनिंग ते डायलॉग्स इन्हां दे एक बोलन का नज़रिया वो कितना घैंट है ना। हाँ जी अज वखरा ही से इन्हों का बोलन का तरीका है कि कुड़ियां वांगू बोली जाते सी तुम चुप करो ऐसे क्यों करते हो तुम बीच में क्यों बोलते हो विच हिंदी बोली जाते विच पंजाबी उर्दू उर्दू पिछले नाल ज़्यादा ना मतलब पिछले नाल ज़्यादा इस वाली ज़्यादा मतलब फनी लगी सी। हाँ जी तो काफ़ी घैंट सी यार वीडियो सानू बहुत अच्छी लगी तुहानू किदां लगी नीचे कमेंट करके जरूर दस्सिओ तो जेकर इदां दी वीडियोज़ होर चाहुंदे अपने इस चैनल ते एक्स्ट्रा चैनल ते तां इस चैनल नू हुणे दवा दव सबसक्राइब कर लो तो प्रेस दा बैल आइकन एज वेल तां जो नोटिफिकेशन तुहानू मिल जाए तो पंजाबी रील भी अपना इंस्टाग्राम भी फॉलो करना ना भूलिओ उत्थे फॉलो करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए तो असीं मिलांगे हुण तुहानू किसी होर वीडियो तद तक सानू दिओ इजाजत सत श्री अकाल ते चक्की रखो इदां ही काम।